फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट का इतिहास अमेरिका में 1983 से शुरू होता है, जब रिचर्ड मैथ्यू ने दूसरे प्रोग्रामर्स को यूनिक्स के ऊपर एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसका नाम था GNU। GNU का घोषणा पत्र 1985 में पब्लिश हुआ और बहुत जल्द ही बहुत से प्रोग्रामर्स के बीच में फैल गया। स्टॉलमैन, जो 1953 में पैदा हुए थे, ये वही साल था जब क्लॉड शैनन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना शुरू किया था। ये बचपन से ही कंप्यूटर्स को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन उस समय कंप्यूटर्स काफी बड़े होते थे और महंगे भी, इसलिए उनको ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि वह कंप्यूटर को देख सकें, छू सकें या उस पर काम कर सकें। लेकिन 1962 में उन्हें IBM 7094 का एक मैनुअल मिला, जिसमें कंप्यूटर्स के बारे में लिखा हुआ था, और इस मैनुअल के बाद उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामों को कागजों पर लिखना शुरू कर दिया। लेकिन वे उन प्रोग्रामों को कभी कंप्यूटर पर चला नहीं पाए। MIT हैकर कम्युनिटी के कुछ आखिरी सदस्यों में से स्टॉलमैन भी थे। वे AI लैब्स में अपने कामों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक टेक्स्ट एडिटर बनाया था जिसका नाम था ईमैक्स, जिसे उपयोगकर्ता किसी भी तरह से कस्टमाइज कर सकते थे, और इस वजह से ईमैक्स ने दूसरे प्रोग्रामर को अपनी तरफ आकर्षित किया, और इसी वजह से दूसरे प्रोग्रामर्स ने ईमैक्स में कई तरह के बदलाव किए, उसे सुधारा और उसे एक दूसरी ही सतह पर ले गए। ईमैक्स प्रोग्राम एक मुफ्त प्रोग्राम था, लेकिन इसको उपयोग करने के पीछे केवल एक शर्त होती थी कि उपयोगकर्ता ईमैक्स के सुधार में अपना योगदान देंगे। ईमैक्स बहुत जल्दी एक मानक टेक्स्ट एडिटर बन गया और उसे बहुत जगहों पर इस्तेमाल में लिया जाने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में स्टॉलमैन ने MIT के लिए काम करना बंद कर दिया था। ये वही समय था जब प्रोग्रामर्स का काम करने की आजादी का वातावरण धीरे धीरे खत्म हो रहा था। स्टॉलमैन ने 1985 में फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन बनाया और इस संस्था ने GNU प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू रखा। हालांकि जिस कारण से उन्होंने मुफ्त सॉफ्टवेयर की तरफ अपना कदम रखा था, वह उनका एक अनुभव था जो जेरोक्स कंपनी का बनाया हुआ एक सॉफ्टवेयर था जो लेजर प्रिंटर के ऊपर काम करता था। एक व्यंजन बनाने की विधि भी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हो सकती है, या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक व्यंजन बनाने की विधि की तरह हो सकता है, जिसे कुछ तरीकों के साथ बनाया जाता है और उस पर तब तक काम किया जाता है जब तक हम उसमें वह परिणाम प्राप्त ना कर ले जिसकी हमें उम्मीद है। यह उसी तरह से है जैसे हमने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की कॉपी अपने दोस्त को दी, उसने उसमें कुछ बदलाव किए क्योंकि वह उस प्रोग्राम को अपने अनुसार इस्तेमाल करना चाहता था, और क्योंकि आपका बनाया प्रोग्राम किसी और के काम भी आ सकता है, इसी वजह से ज्यादातर प्रोग्रामर आपसे एक ही चीज पूछते हैं, क्या मुझे इसकी कॉपी मिल सकती है। लेकिन एक कंप्यूटर प्रोग्राम की कॉपी साझा करते करते यह भी मुमकिन है कि उसके उपयोगकर्ता को कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़े, और यही हो रहा है आज की इस सॉफ्टवेयर की दुनिया में, जहां पर सॉफ्टवेयर पर मालिकाना हक रखने वाले दूसरे प्रोग्रामर्स की दक्षता को कोई सम्मान नहीं देते, और अगर दूसरे प्रोग्रामर उनके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक हिस्सा भी उपयोग में ले लें तो वे उन पर कानूनी कार्यवाही करने से भी नहीं चूकते। और ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था स्टॉलमैन के साथ। उस समय जेरोक्स ने AI लैब्स को एक लेजर प्रिंटर दिया था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले लेजर प्रिंटर केवल जेरोक्स के ऑफिसेज में ही होते थे। ये काफी तेजी से काम करता था और एक सेकंड में एक पेज को प्रिंट कर देता था। ये एक तरीके का ऑफिस में उपयोग होने वाला हाई स्पीड कॉपियर था, जिसको प्रिंटर के अंदर बदल दिया गया था, और जब यह कॉपी करने वाली मशीन खराब हो जाती थी तो कोई ना कोई वहां पर होता था जो उसे सही कर सके। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब वह प्रिंटर जाम हो गया
और उसे वहां ठीक करने वाला कोई नहीं था और यह बहुत ही लंबे समय तक खराब अवस्था में ही पड़ा रहा। स्टॉलमैन बताते हैं कि हमें पता था कि समस्या से कैसे निपटना है और हमने इसके बारे में खोजबीन की तो हमें पता चला कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ है जिसकी वजह से प्रिंटर जाम हो गया और मशीन हालांकि बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी। वह काफी अच्छे तरीके से बता रही थी कि कितनी फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और कितनी फाइलें प्रिंट हो चुकी हैं। लेकिन यह मशीन नई प्रिंट कमांड भी रद्द कर रही थी तो एक तरह से सिर्फ प्रिंटिंग के सॉफ्टवेयर में ही खराबी थी, बाकी इस मशीन में सब सही चल रहा था। तो अब आपके सामने एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ एक छोटे से एरर की वजह से सही नहीं चल रही, तो आपके मन में यह ख्याल जरूर आएगा कि आप इसे सही कर सकते हैं लेकिन सही नहीं कर रहे। उस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी और खोजबीन करने के बाद हमें पता चला कि उस प्रिंटर को चलाने वाला यह सॉफ्टवेयर एक मुफ्त सॉफ्टवेयर नहीं है। यह सॉफ्टवेयर प्रिंटर के ही साथ आता है और मशीन लैंग्वेज के अंदर आता है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते या फिर उसमें कुछ बदलाव भी नहीं कर सकते। और इससे भी ज्यादा सबसे बड़ी बात यह थी कि जेरोक्स ने हमें उसका सोर्स कोड ही नहीं दिया था। तो एक ऐसी संस्था जहां पर केवल प्रोग्रामर काम करते थे, वे जानते थे कि इस सॉफ्टवेयर की खराबी को कैसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन चाहकर भी इस समस्या का निदान नहीं कर सकते थे। हालांकि कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी में किसी के पास इस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी थी, लेकिन उसने हमें वह कॉपी देने से मना कर दिया क्योंकि वह एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर चुका था। स्टॉलमैन बताते हैं कि विज्ञान और तकनीक का उद्देश्य यही होता है कि वह इंसानों की जिंदगी को और उन्नत कर सके। अगर हम रहस्यों को बरकरार रखेंगे, अगर हम इंसानों तक वह जानकारियां नहीं पहुंचाएंगे जिसके बारे में उनको पता होना चाहिए, तो विज्ञान और तकनीक उसके इस उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाएंगी। और यही कारण था कि स्टेलियन ने GNU प्रोजेक्ट की शुरुआत की जिसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जिसे लोगों को मुफ्त दिया जा सके। किसी भी प्रोग्राम को साझा करने के लिए कुछ आजाद मानकों की जरूरत पड़ती है, जैसे उस प्रोग्राम को कॉपी करने की आजादी, उस प्रोग्राम को किसी और को देने की आजादी बिना किसी शुल्क के, उस प्रोग्राम के सोर्स कोड को पढ़ने की आजादी, उस प्रोग्राम के अंदर अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की आजादी और बदलावों के साथ उस प्रोग्राम को किसी और को देने की आजादी। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए और मुफ्त बांटने के लिए GNU प्रोजेक्ट ने एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस की नींव रखी जिसको इन्होंने कहा GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। GNU GPL कहता था कि जितने भी प्रोग्राम बदलाव के साथ हैं वह इसी लाइसेंस को फॉलो करेंगे और इस आवश्यकता को नाम दिया गया कॉपीलेफ्ट। जहां इनका पुराना प्रोग्राम ईमैक्स इस शर्त के साथ आता था कि इसमें बदलाव करने के बाद इस प्रोग्राम को उसी व्यक्ति को दे दिया जाए जिसने इसे बनाया है, वहीं पर कॉपीलेफ्ट ने प्रोग्रामर को यह आजादी दी कि वह प्रोग्राम को बदलाव के साथ किसी को भी दे सकते हैं। कॉपीलेफ्ट लाइसेंस हर किसी मुफ्त प्रोग्राम के लिए नहीं था और ऐसा जरूरी भी नहीं था। लेकिन आज GNU GPL सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला लाइसेंस है जो मुफ्त सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइनस टॉरवाल्ड्स, जिनका कंप्यूटर के लिए जुनून 11 साल की उम्र से ही दिखने लगा था, जब उनके गणित के प्रोफेसर दादा ने उनको पहला कंप्यूटर उपहार में दिया था जो था VIC-20। हेलसिंकी की यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर वैज्ञानिक छात्र के तौर पर लाइनस टॉरवाल्ड्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काफी शोध किए। यह तब की बात है जब यूनिक्स को बनाया जा चुका था। उसी दौरान मिनिक्स को 1980 के पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया। ये वो कंप्यूटर होते थे जो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते थे।
मिनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो यूनिक्स की तरह ही था, जो काफी सरल था लेकिन ज्यादा सक्षम नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा यह एक सीखने के लिए बनाया गया प्रोग्राम था और इसे बनाया था प्रोफेसर एंड्रयू टेनेनबॉम ने। दरअसल टेनेनबॉम अपने छात्रों को उन सिद्धांतों की टेस्टिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना चाहते थे जिन सिद्धांतों को उन्होंने अपनी किताब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लिखा था। यह एक काफी प्रसिद्ध किताब थी जिसको कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्रों ने पढ़ा था। हालांकि मिनिक्स का भी एक लाइसेंस हुआ करता था जो इसे एक मुफ्त सॉफ्टवेयर की श्रेणी से बाहर रखता था। मिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भी एक सीमा थी जिसके आगे वह नहीं जा सकता था, और ये एक खिलौना ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह था जो सिर्फ कंप्यूटर के सरल कामों को करने के लिए और सीखने के लिए बनाया गया था, और यह यूनिक्स के आगे कहीं भी नहीं ठहरता था। और इसी शोध को करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर्नल लिखना शुरू किया। उन्होंने इसके लिए पोजिक्स के मानकों को अपनाया। comp.os.minix नाम का एक न्यूज ग्रुप हुआ करता था जिसके ऊपर तकनीकी जानकारियां साझा की जाती थी। शुरुआत में लाइनस ने इसी न्यूज ग्रुप के ऊपर जानकारी जुटाना शुरू किया। लाइनस का भी शुरुआती सॉफ्टवेयर मुफ्त सॉफ्टवेयर लाइसेंस नहीं था, लेकिन 1992 में लाइनस ने निर्णय लिया कि वे GNU GPL का लाइसेंस अपने सॉफ्टवेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब उनके द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर एक फ्री सॉफ्टवेयर होगा। इसे कॉपी करना, इसका इस्तेमाल करना, इसमें कुछ बदलाव करना, फिर चाहे वह कोई हैकर हो या कोई प्रोग्रामर, सिस्टम इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर बनाने वाला, वह सब अपने तरीकों से इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। आज की तारीख में लाखों लोग पूरे विश्व में GNU लिनक्स के बदलाव से संबंधित काम कर रहे हैं और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन रिलीज करते रहते हैं। स्टॉलमैन, टॉरवेल्ड्स और इनके अलावा और भी दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर्स के कामों को बहुत जल्दी पहचाना जाने लगा, क्योंकि ये GNU लिनक्स के विकास के लिए काम कर रहे थे और इनके बनाए प्रोग्राम बिना किसी शुल्क के उपयोगकर्ता इस्तेमाल कर रहे थे। यह उन प्रोग्रामों से बहुत अलग था जैसा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां बना रही थीं। जिस तरह से GNU लिनक्स के अंदर बदलाव हो रहे थे और काफी जल्दी इस ऑपरेटिंग सिस्टम के नए वर्जन मार्केट में आ रहे थे, उसी तरह से वो लोग जो पहले माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रोप्राइटर मालिकाना हक रखने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट के चाहे कितने भी विज्ञापन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आए, लेकिन ज्यादातर लोग GNU लिनक्स को ही इस्तेमाल करना चाहते थे। 1997 में लाइनस टॉरवाल्ड्स ने फिनलैंड छोड़ दिया और उन्होंने सिलिकॉन वैली में ट्रांसमेटा नाम की एक कंपनी में काम करना शुरू किया। इस कंपनी ने उनको लिनक्स कर्नल के विकास के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं और 2003 में ये पोर्टलैंड ओरेगन में काम करने लगे, और यहां भी इन्होंने लिनक्स के ऊपर प्रोग्रामों का विकास करना चालू रखा। और दूसरी तरफ रिचर्ड स्टॉलमैन जो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट के पद पर बने रहे जो बॉस्टन में स्थित है, और यहीं से ये फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते रहे।